आधी रोटी खाएंगे पर अखिलेश को जिताएंगे, हमारा भूल कमल का फूल। भैया हो अब किलियावा समाजवादी, जितने भाई लोग खड़े हुए सब कट्टर समाजवादी है हम लोग। अगर वोट हम लोग कर रहे हैं साइकिल पे तो वो जा रहा है सपा भाजपा पे, भाजपा पे जा रहा है तो वो लोग चोरी कर रहे हैं, हैंग कर रहे, ईवीएम हैंग कर रहे। इससे अच्छा है चोर अगर मंदिर में चोरी कर रहा है बैठे में उस भगवान से नहीं डरता मगर उस संविधान से डरता है। कि आंकड़ा लगा लायब योगी अखिलेश में, कैसे विकास होई उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। इस वक्त मैं मछली शहर लोकसभा में खड़ा हूं और आज यहां पे समाजवादी पार्टी का पीडीए सम्मेलन यानी कि पिछड़ा दलित आदिवासी सम्मेलन था। और ये देखिए समाजवादी पार्टी के सब धाकड़ कार्यकर्ता और चौतरफा लोग मौजूद हैं। अभी अभी यहां पे जो है सम्मेलन समाप्त हुआ है। अब मैं बातचीत करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि भैया माहौल क्या है, क्या माहौल है गुरु? माहौल ये है भाई, मछली शहर हमारे मछली शहर में समाजवादी हर बार जीती है, इस बार भी जीती थी, अगली बार वो लोगों ने हम यूपी का माहौल पूछ रहे हैं, मछली शहर तो जीत लीजिएगा, यूपी बताइए। यूपी में ही हम लोग जीतेंगे, 80-80 पूरा जीतेंगे, 80-80 पूरा जीतेंगे। आधी रोटी खाएंगे पर अखिलेश को जिताएंगे, हमारा भूल कमल का फूल। आधी रोटी खाएंगे चलेगा? अच्छा चलेगा, लेकिन अखिलेश को हम जिताएंगे। इतने बड़े फैन है आप अखिलेश? हम बहुत बड़े फैन है, कट्टर समाजवादी है हम लोग। यहाँ पे हमारे जितने भाई लोग खड़े हुए सब कट्टर समाजवादी है हम लोग। अखिलेश यादव के लिए कुछ भी करिए, कुछ भी कर देंगे हम लोग, पक्का समाजवादी है हम लोग और समाजवादी ही रहेंगे और अखिलेश को ही जिताएंगे हम लोग। लग रहा है इस बार कुछ होने वाला है, होने वाला है। खाली ईवीएम से चुनाव न हो जावे, बैलेट पेपर पे चुनाव करा दे फिर पता चल जाएगा। ईवीएम से क्या खतरा है? ईवीएम से क्यों नहीं खतरा है? क्योंकि वो लोग वहाँ पे बैठे हुए, हम लोग यहाँ पे अगर वोट हम लोग कर रहे हैं साइकिल पे तो वो जा रहा है सपा भाजपा पे, भाजपा पे जा रहा है तो वो लोग चोरी कर रहे, हैंग कर रहे, ईवीएम हैंग कर रहे। इससे अच्छा है बैलेट पेपर पे बात करा लीजिए, इसके बाद पता चल जाएगा कौन कितने पानी। ईवीएम पे बवाल मचाए समाजवादी लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, भैया ईवीएम बैन करिए, बैलेट पेपर ले आइए। जी उसीलिए बोल रहे हैं ना, ईवीएम को बंद कर दीजिए, वैलेट पेपर लाइए, फिर पता चल जाएगा। भाई मजबूत सुशासन दे रहे हैं, उसके बाद अनाज दे रहे हैं 5 किलो और सरकारी आवास दे रहे हैं, क्या चाहिए हो? हमको ये बताइए किसके सरकार में अनाज नहीं मिलता था, किसके सरकार कुछ का? आज हमको नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हर चीज हमको, शिक्षा से लेके कोई संबंधित चीज बोल ही नहीं रही सरकार। मंदिर दे रही है, मंदिर दे रही है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम उनको लाए हैं, वो राम को लाए हैं, ये बात इस पे नहीं बोलेंगे कोई। शिक्षा पे कोई नहीं आएगा, संविधान खतरे में है इधर। संविधान में क्या खतरा दिख रहा है आपको? संविधान में पूरा खतरा है, पूरा झोल है, संविधान को बदलने की पूरी प्लानिंग चल रही है भाजपा। और संविधान बदल देंगे? पूरा संविधान बदलने के चक्कर में पड़े हैं वो। कब बदलेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी तिबारा, समझ लो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अपना हक संविधान के बदौलत लड़ते हैं, संविधान हमको हमारा हक दे रहा है। एक चोर अगर मंदिर में चोरी कर रहा है बैठे में उस भगवान से नहीं डरता मगर उस संविधान से डरता है वो चोर। समाजवादी पार्टी और अखिलेश का भविष्य इस समय उज्जवल है, इसलिए उज्जवल है। राहुल गांधी का? राहुल गांधी का? हम राहुल गांधी के नेता थोड़ी आपके साथ हैं, इंडिया गठबंधन में हैं। इंडिया अगर इंडिया से नकार दीजिएगा। नहीं नहीं सुनिए, पहले बात तो सुनिए। जहाँ इंडिया गठबंधन में जहाँ हमारी सीट है उसके लिए राहुल गांधी पर्याप्त है, ठीक है। और जहाँ समाजवादी का प्रत्याशी उतर रहा है वहाँ हम समाजवादी की बात करेंगे, वहाँ बस अखिलेश यादव दिखेंगे और समाजवादी दिखेगी। और जहाँ पर गठबंधन लग रहा, अखिलेश यादव के नाम पे क्या होगा? अखिलेश यादव के नाम पे क्या होगा? अखिलेश यादव के नाम पर इस समय जो है पूरा होगा, इस बार खेला होगा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक तीनों लोग मिलकर के, तीनों समुदाय मिलकर के वोट देंगे। तो और क्या लिखे हैं कुछ सुनाइए आप, जो है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ? जी हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हम प्रदेश सचिव हैं। क्या बात है? तो हम बता रहे हैं जी, दलित मजदूर पिछड़े झेले परेशानी, दलित मजदूर पिछड़े झेले परेशानी, कैले बात बा मनुवादी, ए भैया हो अब किलियावा समाजवादी, ए भैया हो अब किलियावा समाजवादी। अरे पूजा पाठ मंदिर के नाम पेरी झावेले, अलग अलग बांट करके शासन चलावेले,
जवन चाहे तवन करे खूब मन मानी, जवन चाहे तवन करे खूब मन मानी, बन करके देखा हिंदुवादी ए भैया हो, अब किलियावा समझवादी। हिंदुओं के नाम पर, हिंदू बनाने के नाम पर सभी से वोट लेकर के सभी के साथ छल किया जा रहा है। कह रहे हैं कि 125 करोड़ हिंदू हैं देश में, सब हमारे साथ हैं भाजपा वाले। ऐसा है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, सबका समय होता है, समय भर गया है भारतीय जनता पार्टी वालों का, समय भर गया है। एकदम झूठ बोलते बोलते उनका समय भर गया है, जितना भी उन्हें झूठ बोलना था, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार में झूठ सुनते सुनते लोग पक चुके हैं इसमें। और लिखे हैं, बड़ा बढ़िया गाते हैं जी, और लिखे हैं, थोड़ा ये जो गीत सुना रहे हैं, कि आंकड़ा लगा लाए अब योगी अखिलेश में, कैसे विकास होई उत्तर प्रदेश में, कैसे बचावल जाई, कैसे बचावल जाई राज राजधान, कैसे बचावल जाई राज राजधानी, होत बाटे सबकी बर्बादी ए भैया हो, अब किलियावा समझवादी ए भैया हो, अब किलियावा समझवादी, बिना अखिलेश के ना कवनो विकल्प बा, जन जन के मानवा में इहे संकल्प बा, मोहर लगावल जाई साइकिल रा साइकिल निशानी, तब मिली सब के आजादी ये भैया हो, अब किलियावा समझवादी। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होगी लोकसभा में, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बढ़ेगी, तब तक इस भारतवर्ष से काला कानून, काली व्यवस्था हटने वाली नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब अखिलेश यादव जब लोकतंत्र में मजबूत होंगे, संसद की सभा में जब मजबूत होंगे, तो सारी आवाज मजबूती से उठेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जी, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का कामकाज है, या फिर शिक्षा व्यवस्था है, बिजली है, सड़क जी, है जी, इन चीजों में आप कितना बदलाव देख पा रहे हैं? अखिलेश के वक्त में क्या कुछ हुआ और अब में क्या हुआ, क्या डिफरेंस? जी मैं बता रहा हूँ, अखिलेश के सरकार में जब भी कभी एग्जाम होता था, अपने जिले के इर्द गिर्द में होता था, चाहे BTC का हो, BEd का हो, किसी भी चीज का हो, और इस सरकार में अगर जब परीक्षा होता है तो बलिया होता है, गोरखपुर होता है। किस लिए होता है? इसलिए होता है कि आधे से ज्यादा लोग ट्रेन में ही छूट जाएं, आधे लोग बीमार हो जाएं, आधे लोगों को चोट लग जाए, वहां पहुंचे न, और जब नहीं पहुंचेंगे, जब सीट खाली रहेगी, तो उस सीट को वैकल्पिक रूप से भरने का काम करते हैं। रही बात बिजली की, यही बिजली जब उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो बिजली आपको जितना मिलता था, कभी वोल्टेज का कमी नहीं रहता था। इस समय जब धान की खेती का सीजन जब आ जाता है, तो बिजली का वोल्टेज नहीं मिलता है। और जब समाजवादी पार्टी में जब बिजली मिलता था, तो उस समय 120 रुपये से 150 रुपये लाइट बिल वालों का आता था, इस समय 4 से 5 रुपये आ रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों का आरोप है कि भैया ये जो सरकार है, जात देख के भी कहीं ना कहीं काम कर रही है, चाहे यादव हो या फिर मुसलमान हो, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। देखिए, वो जानकारी से अधूरे हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो जानकारी से जो अधूरे हैं, जो भी समाजवादी पार्टी का जो भी काम था, समाजवादी पार्टी में आप आरक्षण के तहत देख लीजिए, सिर्फ भड़काने का काम कर रहे थे कि ताकि यादवों के साथ और कोई लोग न हो और यादव कमजोर हो जाए, जब यादव के साथ और लोग न होंगे तो शेष लोग कमजोर होंगे, कमजोर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में वोटिंग करेंगे।